नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म की जिसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो पहले बात कास्ट एंड क्रू की। इसमें है टाइगर श्रॉफ और उनके साथ यहां डेब्यू कर रही हैं अनन्या पांडे और तारा सुतारिया। आदित्य सील हैं इसमें, समीर सोनी, गुलपनाग, मनोज पावा, आयशा रजा, चेतन पंडित और स्पेशल अपीयरेंस में आलिया भट्ट और साथ ही हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ। फिल्म को लिखा है अरशद सैयद ने और इसका निर्देशन किया है पुनीत मल्होत्रा ने। फिल्म में गानों को संगीत दिया है विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड स्कोर है सलीम सुलेमान का। फिल्म में कैमरा है रवि के चंद्रन का और इसके निर्माता हैं करण जौहर यानी धर्मा प्रोडक्शंस। अब थोड़ा सा जायजा कहानी का। कहानी बताने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 सीक्वल है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में, पर कहानी के मामले में इसका पहली फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। इस फिल्म में रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और बचपन से वो मृदुला से प्रेम करता है, पर मृदुला के सपने बड़े हैं जिसके चलते वो सेंट टेरेसा स्कूल में एडमिशन ले लेती है जो देहरादून का जाना माना स्कूल है और सब हाई सोसाइटी के लोग यहाँ पढ़ते हैं और सिर्फ मृदुला की वजह से रोहन भी यहाँ स्कॉलरशिप से एडमिशन पा जाता है। पर अपर क्लास और लोअर क्लास का फर्क उसे यहाँ साफ महसूस होता है और उसकी बचपन की दोस्त मृदुला भी यहाँ पर आने के बाद किसी और से प्रेम कर बैठती है। अब किस तरह से रोहन इस अमीरी गरीबी की रेखा को लांग कर अपने सपने पूरे करेगा और क्या वो जीत पाएगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी। तो अब बात खामियों और खूबियों की, जिनमें सबसे पहले खामियां। फिल्म का जर्म यानी कि आइडिया 1992 में रिलीज हुई फिल्म जो जीता वही सिकंदर का है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये साफ लगेगा। फिल्म की कहानी की बात करें तो ना तो ये दमदार है और ना ही इसमें कोई नयापन है। स्क्रीन प्ले और सीन्स ऐसे लगते हैं कि एक फॉर्मूला को फॉलो करके डाले गए हैं कि अब यहाँ पे एक रोमांटिक सीन होगा, अभी एक एक्शन सीन होगा, अभी यहाँ पे एक गाना होगा। पूरी फिल्म में सरप्राइज फैक्टर कोई नहीं है, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो कोई ट्विस्ट एंड टर्न की अपेक्षा आप इस फिल्म से ना करें। ये क्लीशेस से भरपूर है। मसलन यूं तो अनन्या का जो किरदार है श्रेया, वो एक बड़े ऊंचे परिवार से ताल्लुक रखता है, पर जब श्रेया ये बोलती है कि उसके पैदा होते वक्त उसकी माँ गुजर गई और उसके पिता उसे मनहूस कहते हैं तो बात थोड़ी सी गले नहीं उतरती, और ऐसी कुछ और चीज़ें शायद आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। और अब बात खूबियों की। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, जिसकी वजह से ठीक करण जौहर की फिल्मों की तरह इसमें भी ग्लॉस यानी चमक धमक है, जैसा कि आपने करण जौहर की पहली फिल्मों में भी देखा होगा। और कॉलेज और स्कूल जाने वाले छात्र अपने ख्वाबों में ऐसे ही स्कूल और कॉलेजों की ख्वाहिश रखते हैं और फिल्म देखने के बाद रखेंगे। ये फिल्म यंग जनरेशन को सपने दे जाती है जिसकी वजह से उन्हें ये फिल्म शायद पसंद आए। और इसकी सिनेमाटोग्राफी के लिए रवि के चंद्रन की मैं तारीफ करूंगा, जिन्होंने इस फिल्म को वो ग्लॉस और वो चमक धमक और कलरफुल बनाया है। इस फिल्म की दूसरी खूबी है टाइगर श्रॉफ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइगर की तरह डांस और एक्शन करने वाला कोई अभिनेता इस इंडस्ट्री में नहीं है, यानी यहां मैं डांस और एक्शन दोनों में पारंगत होने की बात कर रहा हूं। आपको ऐसे एक्टर्स मिल जाएंगे जो डांस और एक्शन में अलग अलग पारंगत है, लेकिन दोनों का बेहतरीन संगम आपको टाइगर श्रॉफ में देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि ये रोल उनके अलावा शायद उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। अब बात अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की, जो इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं, और इनमें अनन्या पांडे का काम मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और तारा भी मुझे ठीक लगी, लेकिन अभिनय के मामले में करीब करीब सभी एक्टर्स इस फिल्म में ठीक हैं। खासतौर से मनोज पावा का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हमेशा हंसाते हैं, हमेशा अच्छा अभिनय करते हैं, उनका भी काम इस फिल्म में अच्छा है। संगीत की बात करें तो ये जवानी है दीवानी एक रिक्रिएटेड सॉन्ग है और अच्छा लगता है। तो जैसा मैंने कहा कि यंग जनरेशन को ये फिल्म पसंद आ सकती है, पर मेरे लिए ये फिल्म है सिर्फ 2.5 स्टार्स की।